हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूली के पकोड़े, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लेट से आया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि घर में थोड़ा पेंटिंग का काम चल रहा था। अब से वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो फ्रेंड्स, हमने मूली के पकोड़े के लिए लगभग 250 ग्राम मूली लिया है। ये हमने अपने खेतों से लाया है और उसे अच्छे से हमने इसका मिट्टी निकाल दिया धो के, और इस प्रकार के मशीन से हम इसे अच्छे से झाड़ लेंगे। तो इस प्रकार के हमने अच्छे से इसे झाड़ लिया है। आप चाहे तो इसका पानी भी निचोड़ सकते हैं, कम उसमें कम बेसन आप डालेंगे। तो यहाँ पर हमने हरी धनिया का थोड़ा सा प्रयोग किया है, आप चाहे तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ी सी अजवाइन डाला है, उसके बाद खड़ा जीरा हमने आधी चम्मच के आसपास डाला है, उसके बाद आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार। और फिर हम यहाँ पे थोड़ी सी सब्जी मसाला ऐड करेंगे। आप चाहे तो सब्जी मसाला नहीं हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बेसन डेली यूज के चम्मच से 4 से 5 चम्मच डाला है। उसके बाद अब देख लेंगे इसे अच्छे से मैश करके, ताकि क्योंकि इसमें मूली में पानी होता है, तो हमने 4 चम्मच पहले डाला है बेसन। तो उसके बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे अपने हाथों के सहारे। आप चाहे तो कम बेसन का इस्तेमाल करना चाहें तो मूली में जो पानी होता है उसे आप निचोड़ लें हाथों के सहारे से प्रेस करके। तो हमने नहीं निकाला है, तो यहाँ पे हम बेसन थोड़ी सी ज़्यादा इसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। तो हम थोड़ी सी और बेसन यहाँ पर डालेंगे और इसे अच्छे से लगातार मिलाएँगे। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे इसका जो डो होगा, बिल्कुल देखिए इस प्रकार का कुछ होगा, ना ही ज़्यादा गीला ना ही ज़्यादा टाइट। तो देखिए इस प्रकार से। तब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे फ्रेंड्स। और आप शेप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आप चाहे तो इस प्रकार के गोल गोल शेप दे सकते हैं, हमने इसी प्रकार के शेप में बनाया है। आप चाहे तो हाथों के सहारे इसे अलग अलग शेप में बना सकते हैं। तब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे फ्रेंड्स। उसके लिए हमने कढ़ाई लिया है और उसमें तेल बिल्कुल हीट कर लिया है, तेल को हम काफ़ी ज़्यादा हीट कर लेंगे। उसके बाद हम इस प्रकार से इसे फ्रेंड्स बारी बारी से डालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया से इसका शेप भी बन रहा है, और ये कितना बढ़िया है, और तेल भी हमारा अच्छे से हीट है। तो आप इसी तरीके से ये डालने के बाद, ये देखिए तेल हमारा बहुत ही ज़्यादा हीट था, तो हमने ये देखिए कुछ पकौड़े हमारे अच्छे से पक गए हैं एक साइड से। तो हम इसे हल्के हाथों से इसे पलटेंगे। आप चाहे तो किसी चाकू की मदद से भी इसे पलट सकते हैं, ताकि ये टूटने ना पाए। हालांकि ये नॉर्मली टूटता नहीं है। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा पकौड़ा बन के तैयार हो रहा है। तो आप इसी तरीके से बीच बीच में इसे चलाएंगे, ताकि ये जो है अच्छे से पक जाए और हमारा जो बीच में कच्चा ना रहे। तो इसे तेल हीट करने के बाद थोड़ा सा मीडियम कर देंगे फ्लेम को, ताकि ये बीच में अच्छे से पक सके। तो ये देखिए आप इसे बारी बारी से इसी प्रकार से इसे पलटेंगे, और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। ये लगभग 15 से 20 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। तो आप इसी तरीके से देखिए चला लेंगे सारे पकौड़ों को। तो अब हम देखिए इसे निकालेंगे, क्योंकि इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया है। ना ही ज़्यादा हम इसे रेडिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पकेगा तो फिर जला जला फ्लेवर आएगा। तो इसीलिए हमने ये देखिए इस प्रकार के कलर को हम बना के निकालेंगे। देखिए कलर कितना बढ़िया आया हमारा ये मूली के पकौड़े का। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया ये बन के तैयार हुआ। तो इस प्रकार से हमने दो बैचेज में हमने इसे फ्राई किया है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है फ्रेंड्स। तो ये हमने कुछ टाइम लैप्स वीडियो आपको दिखाया। तो ये देखिए फाइनली हमारा बन के तैयार है। तो हमने इसे प्लेटिंग भी कर लिया है। आप इसे गर्मा गर्म इसे सर्व कर सकते हैं, ठंडा होने के बाद ये फिर उतना मजा नहीं आएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय जय भारत।